गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था उ की मात्रा कि बेटा हम क्या करते हैं, उ की मात्रा का जो हमारा सिंबल है वो कैसा होता है, ये कहाँ लगती है ना। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें उ की मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, और मैंने आपको उ की मात्रा के 2, 3 व 4 वर्णों वाले शब्द भी बताए थे स्टूडेंट्स। और देखिए उ की मात्रा के मैंने आपको वाक्य जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं वह भी बताए थे। तो स्टूडेंट्स आज हम उ की मात्रा की एक्सरसाइज 1 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स उ की मात्रा को हम कहाँ लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स हम उ की मात्रा को व्यंजन के नीचे, है ना, व्यंजन के नीचे लगाते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स जब हम कैसे लेकर के है तक के सभी व्यंजन पर ये मात्रा कहाँ लगती है, वर्ण के नीचे लगती है। और जो हमारा र व्यंजन होता है उस पर ये मात्रा उसकी पीठ पर लगती है ना। और जब ये मात्रा लगती है तो इसका उच्चारण धीरे व जल्दी होता है ना। कैसे होता है, धीरे व जल्दी होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चित्र पहचान कर शब्दों का मिलान करो। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक साइड में क्या किए हैं, चित्र बनाए हैं और उनके सामने नेम को राइट किया है। तो स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, चित्र को पहचानेंगे और उसके जो सही नाम है उसका, उससे उसका क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे जो हमारे फर्स्ट नंबर की पिक्चर है वो किसकी है, बताइए आप। हेमंत। यस मैम। बेटा आप बताइए ये पिक्चर किसकी है, जो मैंने यहाँ पिक्चर बनाई है वो किस चीज की है। सांप दिखाई दे रहा मैम, सांप नहीं दिखाई दे रहा, सांप नहीं दिखाई दे रहा। देखिए स्टूडेंट्स ये जो पिक्चर है वो क्या है, उपहार, जिसे आप बोलते हैं गिफ्ट। तो बेटा हम गिफ्ट तो हम क्या करते हैं, ये कौन सा वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, पर हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपहार बोलते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, शब्द राइट किए हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या है, शब्द को पढ़ना है और फिर उसको चित्र से मिलाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब, गुलाब। सेकंड नंबर पे है उपहार, उपहार। तो स्टूडेंट्स हमारी जो पिक्चर है वो किसकी है, उपहार की है ना। तो हम इसको किससे मैच करेंगे, उपहार से। अब देखिए जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, बता सकते हैं आप मुझे। गुलाब की। गुलाब की है। तो देखिए यहाँ गुलाब कहाँ राइट है, आपको पढ़ना आता है उनकी मात्रा के शब्द मैंने आपको बताए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं गुलाब, तो आप क्या करेंगे इसको, इसकी पिक्चर से मैच करेंगे। ये देखिए है ना। अब है, अब बता सकते हैं हेमंत नेक्स्ट पिक्चर किस चीज की ड्रॉ है। नेक्स्ट पिक्चर किसकी बना रखी है मैंने, धनुष। धनुष। तो देखिए गुलाब को और उपहार को तो हमने मैच कर दिया, अब बाकी के वर्ड में से हमें देखना है कि यहाँ पे धनुष कहाँ राइट है। तो देखिए आप पढ़िए सुराई, धनुष। कहाँ है धनुष, हमें धनुष से मैच
करना है। अब देखिए धनुष के बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर किसकी है बेटा, किसकी है बता सकते हैं आप? देखिए नेक्स्ट पिक्चर है हमारे सुराई, क्या बोलते हैं हम इसको, सुराई है ना। अब देखिए यहाँ सुराई कहाँ राइट है, उपहार के नीचे देखिए सुराही है ना, तो हम क्या करेंगे इससे इसको मैच करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है बता सकते हैं आप? उठवाल साबुन, साबुन की है, किसकी है साबुन। तो देखिए ये क्या है फुटबॉल साबुन, कहाँ है राइट साबुन, तो हम इसे क्या करेंगे साबुन से मैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपके किस चीज की है बेटा, कछुआ, कछुआ। तो देखिए यहाँ पे कछुआ कहाँ राइट है, ये रहा कछुआ। आपको शब्द को भी पढ़ना है तभी तो आप उसका सही मिलान करेंगे। तो देखिए आप कछुए को कछुए से मिला दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपके किस चीज की है, बता सकते हैं नेक्स्ट पिक्चर आपके किसकी है? देखिए नेक्स्ट पिक्चर है आपकी फुटबॉल, किसकी है, किसकी फुटबॉल, फुटबॉल की है। तो आप क्या करेंगे इसको इससे मैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके तुक मिलाकर जोड़े बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जिसे हम तुक मिलाते तुक होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग्स वर्ड है ना, तो हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं तुक है ना, तुक मिलाकर जोड़े बनाइए। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए तुक हम कैसे मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है साबुन है ना, तो साबुन को आप किससे मैच करेंगे बताइए, किससे इसका जोड़ा बनाएंगे? आपको क्या करना है तुक मिलाकर जोड़े बनाने हैं। तो देखिए साबुन किससे मैच करेंगे, जामुन है ना, किससे मैच करेंगे साबुन जामुन। अब देखिए गुन क्या बनेगा, मिलाएंगे इसे सुन। शानू बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, तो देखिए गुन को आप किससे मिलाएंगे सुन है ना। अब देखिए नेक्स्ट है आपके गुड़िया है ना, तो इसका देखिए हमें क्या मिलाना है इसे मिलता जुलता, तो गुड़िया गुड़िया किससे मैच करेंगे गुड़िया से। नेक्स्ट है गुलाब, किससे मैच होगा जुलाब से, ये क्या है इससे इसका मिलता जुलता वर्ण है शब्द है। अब देखिए बुआ, बुआ को किससे मिलाएंगे सुला। बुनना, इसको किससे मिलाएंगे हम इसे चुनना है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, आपको इनके तुक मिलाकर मतलब जो इनका जो समान जो वर्ण होता है इससे मिलता जुलता उससे मिलाकर हमको क्या करना होता है जोड़ा बनाना होता है। अब देखिए जैसे कि हमने मिलाया साबुन को किससे मिलाया जामुन से, गुन को किससे मिलाया सुन से,
गुड़िया को किससे मिलाया? गुड़िया गुलाब को जुलाब से, बुआ सुला, बुनना चुनना। तो ये इसको देखिए, तुक हम क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइमिंग्स वर्ड भी कहते हैं ना बेटा। तो देखिए ये क्या है, आपको इनके जोड़े बनाने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नीचे दिए गए है ना उ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए। तो देखिए इसमें क्या है, हमें कुछ शब्द है और हमें गोला किस पर बनाना है, कौन सी मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाएंगे हेमंत? बताइए कौन सी मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाएंगे। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन रीड करके बताया है, नीचे दिए गए उ की मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाओ, है ना। यहाँ पे क्या है, बहुत से शब्द हैं, है ना, और उनमें से हमें किस पर गोला बनाना है, जो हमारे शब्द उ की मात्रा का है। कौन सी मात्रा का है? उ की मात्रा का, है ना। जो शब्द हमारे उ की मात्रा का है उस पर ही हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। तो देखिए हम पहले शब्द को रीड करते हैं। अब देखिए घड़ी, ये क्या है, घड़ी। तो बताओ आप क्या घड़ी पे गोला बनाओगे? नो मैम। नेक्स्ट है चूहिया। यस मैम। यस मैम। देखिए चूहिया का कौन सी मात्रा का शब्द है, उ की मात्रा का शब्द है। तो हमें क्या करना है, उ की मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट है चुनमुन। हेमंत आप बताइए क्या आप चुनमुन पे गोला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? यस मैम। बनाओगे? यस। ओके नेक्स्ट शानू, मैं आपको शब्द बता रही हूँ, बुलबुल किताब मुकुट। बताइए आप कौन कौन से शब्द पर गोला बनाएंगे? बुलबुल। हाँ गुड्डे। मुकुट है बेटा, वो क्या है, मुकुट। अब देखिए बुलबुल में भी कौन सी मात्रा है, हमारे उ की मात्रा है। नेक्स्ट है किताब। किताब में देखिए आप कौन सी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है। और मैंने जो थर्ड वर्ड राइट किया है वो कौन सा है, मुकुट। तो मुकुट क्या है, उ की मात्रा का शब्द है। तो आप क्या करेंगे, इस पे भी गोला बनाएंगे। नेक्स्ट है जल कली तुम। हेमंत आपको इन तीनों वर्ड में से वो वर्ड बताने हैं, वो शब्द बताने हैं जिस पर आपको गोला लगाएंगे। मैं आपको शब्द बता रही हूँ, जल कली तुम। बताइए कौन कौन से शब्द पर हेमंत आप गोला बनाएंगे? हेमंत गिव मी आंसर। हेमंत बेटा मैंने आपसे पूछा है, मैंने आपको यहाँ पे थ्री शब्द दिए हैं, यानी मीन्स है तीन शब्द हैं। कौन कौन से हैं, जल कली तुम। और मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि आपको उ की मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाना है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम भी है कि उ की मात्रा कैसी होती है, मैंने आपको बताया है कि देखिए ये जो मात्रा है वो हमारी किसकी है, उ की है। ये कहाँ लगती है,
व्यंजन के नीचे लगती है, और जब ये लग जाती है तो उसका उच्चारण कैसा होता है? धीरे व जल्दी होता है। तो देखिए बेटा, अब आपको पहचानना है इन थ्री शब्द में से वो शब्द आपको बताने हैं जिस पर उ की मात्रा लगी हुई है। तो देखिए शब्द में बता रही हूँ आपको, जल, कली, तुम। बताओ हेमंत, आप बताइए आप कौन कौन से शब्द पर ओला बनाएंगे? बताइए। तुम पर देखिए, जल, जल में कोई मात्रा नहीं है। कली, कली में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। और देखिए मैं जो शब्द है वो क्या है आपके? तुम है। और तुम पर कौन सी मात्रा है? उनकी मात्रा है। तो आप क्या करेंगे? तुम शब्द पर गोला बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपके, कुली, भागा, चुल। बताइए कौन कौन से शब्द पर आप गोला बनाएंगे? शानू, गिव मी आंसर। कुल पे। और चुल पे। हाँ, अब देखिए कुली का पर भी क्या है आपके? उ की मात्रा है। तो आप क्या करेंगे? इसमें भी गोला बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट शब्द आपके कौन सा है? भागा। तो देखिए भागा क्या है? कौन सी मात्रा वाला शब्द है? आ की मात्रा का शब्द है। और देखिए चुल हमारा क्या है? उ की मात्रा का शब्द है। तो आप क्या करेंगे? इस पर गोला बनाएंगे, है ना। अब देखिए आपका ये क्या है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नीचे दिए गए उ की मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शब्द बनाओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपको शब्द बनाना है। और देखिए शब्द बनाना मैंने आपको इससे भी पहले बताया था कि हमें गोले में कौन सा शब्द दे रखा है या दे रखा है, और इधर क्या है? बहुत सारे के शब्द है। तो हमें या जोड़कर क्या करना है? इन शब्द को बनाना है। अब देखिए, देख शानू, डोंट टॉक, डोंट टॉक। मैं नहीं कर रहा। हेमंत, अब देखिए मैम। यस बोलिए। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है? शब्द बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिखा हुआ है गुड्डी। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे? या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? या को जोड़ देंगे। देखिए अब आपके क्या बना? कौन सा शब्द बना बताइए आप? नहीं आ रहा है किसी को भी? शानू, गिव मी आंसर। गुड़िया। क्या बना? गुड़िया। देखिए यहाँ पे दे रखा है गुड़ी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे? या को जोड़ देंगे, है ना। तो हमारा क्या शब्द बनेगा? गुड़िया। तो आपको इधर लिखना है गुड़िया। क्या बना? गुड़िया। अब देखिए नेक्स्ट है आपके चुई। अब देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे? या को जोड़ेंगे। हेमंत आप बताइए कौन सा शब्द बना आपका? हेमंत, चुतिया।
बेटा क्या बना? चुहिया। क्या बना? चुटिया नहीं, चुहिया है वो है पर क्या है? ई की मात्रा है। क्या बना? चुहिया। अब देखिए नेक्स्ट है कुटी, और इसमें भी आप क्या करेंगे? या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? या को जोड़ देंगे। अब बताइए आपका कौन सा शब्द बना? कुटिया। कुटिया, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट है आपके बुड्ढी, दे रखा है और इसमें क्या करना है? आप या को जोड़ेंगे। तो हेमंत बताइए अब आपके कौन सा शब्द बनेगा? बताइए शानू, आप बताइए। बुटिया। बुढ़िया। क्या बनेगा? बुढ़िया। बुढ़िया। क्या बना? बुढ़िया। ओके नेक्स्ट है पुली। अब देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे? या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? या हम इसमें जोड़ देंगे। तो अब बताइए आपके कौन सा शब्द बना? पुलिया। पुलिया, वेरी गुड। क्या बना? पुलिया। अब देखिए चित्र पहचान कर शब्द लिखो। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स आपने देखिए जो आपके फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था इसमें तो आपने क्या किया था? मैच किया था उसके शब्द से, और अब आपको दे रखा है चित्र पहचान कर शब्द लिखो। आपको क्या करना है? चित्र को पहचानना है और फिर उसका शब्द लिखना है। तो बताओ आप सबसे जो पहला हमारा पिक्चर है यानी जो चित्र है वो किसका है? बताइए किसका है? गुलाब। क्या राइट करेंगे आप? गुलाब। गय पर क्या करेंगे? उ की मात्रा और ल पर आ की मात्रा और ब। क्या बना? गुलाब। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपके किसकी है बता सकते हैं आप? कुटिया। क्या बोलते हैं हम इसे? कुटिया। टैपर की मात्रा कुटिया। टैपर की मात्रा और यह पर आ की मात्रा। क्या बना? कुटिया। अब देखिए नेक्स्ट जो पिक्चर है वो आपकी किसकी है? धनुष। धनुष। तो आप क्या राइट? धनुष। ध, न पर उ की मात्रा और श, धनुष। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपकी किसकी है? बताएंगे आप किसकी है? बादल। नो बेटा, ये है बादल। मुकुट। क्या है? मुकुट। मुकुट है। मैं पर उ की मात्रा, टै पर उ की मात्रा और कौन आवाज कर रहा है? मुकुट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर है वो किसकी है? गुड़िया। बेटा इसको आप गुड़िया तो ऐसे बनाते हैं, मैं बता रही हूँ ये किसकी है? स्माइल कर रहा है। स्माइल मीन्स मुस्कान, है ना? तो हम इसको क्या बोलेंगे? मुस्कान। मुस्कान।
अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपके किसकी है बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? देखिए चिड़िया। नो देखो नेक्स्ट पिक्चर है आपके झुमके, किसकी है? झेपर ऊ की मात्रा झूम म के, क्या है ये? क्या बोलते हैं हम इनको? झुमके। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपकी किसकी है बेटा? ये है आपके बटुआ, क्या बोलते हैं हम इसको? बटुआ। ओके अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर आपकी किसकी है? किसकी है बताइए? ये है आपके फुल, क्या बोलते हैं हम इसे? फुल की। फुल। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर फुल। हाँ बेटा फुल के बाद में जो हमारे पिक्चर है वो किसकी है? गुड़िया। नो बेटा उल्लू। किसकी है? उल्लू। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको इस एक्सरसाइज में सब कुछ समझ में आ गया? हे मैम क्वेश्चन कर लेंगे आप? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके नो मैम।